वजीर आजम, वजीर आजम, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? रैली का कहा था सबसे पहले इन्होंने लब्बाई कहा और लाहौर में सबसे पहले रैली का आगाज इन्होंने किया। अभी कुछ सवाल आते हैं जो इनसे पूछते हैं। जी मियां साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले इमरान खान की कार पर आपने लब्बाई कहा, आपको इंतजामिया की तरफ से किन मुश्किलात का सामना करना? इंतजामिया तो जी हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई है और जो मरियम नवाज साहबा ने ये शहजादी बना के रखा हुआ है हमारे लोगों ने, हमारे ये डिपार्टमेंट ने, और ये बड़ा परेशान कर रहे हैं। पुलिस हमें परेशान कर रही है। मैं चार दिन से गायब हूँ, आज अपने वर्कर के साथ सामने आया हूँ और मैं जिधर भी जा रहा हूँ कम से कम यहाँ वहाँ कोई 200 लोग हों तो मैं जाता हूँ, और मैं चोरी छुप के कंपेन तो नहीं कर रहा। ये बस हमें परेशान तो बहुत किया जा रहा है, जगह जगह पुलिस हमें परेशान कर रही है। मियां साहब, ये बताइएगा कि पिछले कुछ माह में आपके खानदान ने काफ़ी मुश्किल बर्दाश्त की, तो आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? जी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें, तो अभी मेरा भाई भी एक हफ्ता पहले इलेक्शन से मुझे मिल सकता है, मियाँ बाद फारूक, और हमारी फैक्ट्रियाँ जो सील की हुई हैं करोड़ों रुपये इन्होंने नजायज़ टैक्स डाले हुए हैं वो भी हमारी खुल जाएंगी, और हमें मिनिस्ट्री की भी ऑफर दी जा रही है कि आपको मिनिस्ट्री भी देंगे, सीट भी देते हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को नहीं मानते। हम बिकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, ऐसी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह हम जूते की नोक पे लिखते हैं। पीटीआई के कैंडिडेट के बारे में ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोई जीतेगा, कोई आईपीपी में चला जाएगा, कोई पीपल पार्टी में चला जाएगा, आपका भी कोई इरादा है? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कुर्बानी है आपके सामने है, खान के साथ जो दी है हमने, तो अपने घर से जनाजे उठा लिए अपने कंधों पर, इससे बड़ी तो कोई नहीं हो सकती, लेकिन ये नहीं हो सकता, हमारी मेरी जान तो जा सकती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान का साथ नहीं छोड़ सकता। 8 फरवरी के हवाले से मरियम नवाज को कुछ पैगाम देना चाहिए नए पाकिस्तान? इंशाल्लाह आपको खुशखबरी देंगे, 8 फरवरी को इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का सबसे पहला जनाजा NA 119 से निकलेगा और मियां शहदाद फारूक निकालेंगे। Shut up!